हाय दोस्तों, बासंती का किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं दिवाली स्पेशल नारियल का लड्डू बना रही हूँ। इसके लिए हमने 200 ग्राम नारियल का बुरादा लिया है। इस काजू को फ्राई करके उसका पाउडर बना लिया है। सौ ml दूध लिया है। पांच बड़ा चम्मच चीनी लिया है। दो बड़ा चम्मच घी लिया है। अब हम गैस को ऑन करेंगे। गैस के फ्लेम को लो पर ही रखेंगे। अब इस पे कढ़ाई को रख देंगे। कढ़ाई गरम हो चुका है। अब इसमें घी डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह चारों तरफ फैला लेंगे। अब नारियल के बुरादे को डालेंगे इसमें और इसे 2 मिनट तक भून लेंगे। गैस के फ्लेम को स्लो ही रखना है, नहीं तो ये बुरादा जल जाएगा। इसे अच्छी तरह भूनते रहना है। अब इसमें भुना हुआ काजू का पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसे अच्छी तरह से मिलाना है, नहीं तो गुठली हो जाएगा। अब इसमें धीरे धीरे दूध डालेंगे और उसे अच्छी तरह मिलाएंगे। दूध को अच्छी तरह मिलाते रहना है, नहीं तो ये गुठली पड़ जाएगा। इसे छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है। ये लड्डू बनाने में बहुत आसानी है और एकदम शुद्ध मिठाई आप दीपावली के लिए तैयार कर सकते हैं। न कोई मिलावट, न कोई झंझट। देखिए, इस तरह से इसे मिलाते रहना है। अब इसमें चीनी डाल देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसे तब तक पकाना है जब तक ये पूरा सूख न जाए। देखिए, ये अब सूखने लगा है। कढ़ाई भी छोड़ने लगा है चारों तरफ से। इसे छोड़ना नहीं है, चलाते रहना है। अगर ये जल जाएगा तो फिर इसका गंध बहुत खराब हो जाएगा, टेस्ट खराब हो जाएगा।
देखिए ये लगभग अच्छी तरह से सूख चुका है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देंगे। ठंडा हो चुका है। अब इसका लड्डू बनाकर हम नारियल के बुरादे में इसको पूरा लपेट देंगे जिससे ये अच्छी तरह से लड्डू पर कोट हो जाए, नारियल का बुरादा जो है। इसे अच्छी तरह हथेली पर गोल करके नारियल के बुरादे में लपेट लेंगे। ये हमारा नारियल का लड्डू बन के तैयार है। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय, थैंक यू।